पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव का आगाज कर दिया है। खंडवा दौरे पर कमलनाथ ने पहले दादा धूनी वाले के आश्रम में दर्शन किए, फिर प्रचार की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने 15 महीने में जितनी गौशालाएं बनवाई हैं, बीजेपी अपने 15 साल के कार्यकाल में भी उतनी गौशालाएं नहीं बनवा पाई है। पूर्व सीएम के मुताबिक आज प्रदेश में किसान और नौजवान परेशान है। ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जो सोई हुई है, जो दबाने और बचाने की राजनीति में लगी है, झूठ बोलने की राजनीति में लगी है। मैं तो जनता से यही अपील करता हूँ, सच्चाई देख लें। तस्वीर प्रदेश की अपने सामने है, हर वर्ग परेशान है। हमारा नौजवान होए, छोटा व्यापारी होए, किसान होए, हर वर्ग परेशान है। और शिवराज जी की हिम्मत है यहाँ आकर फिर से झूठ बोले, फिर से घोषणाएं करें।